मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाओं में कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार क्रिकेटर हैं, टीएमसी का विकेट गिर जाएगा। उन्होंने कहा, मैं मध्य प्रदेश का मामा हूं, मैं पश्चिम बंगाल का भी मामा हूं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, ममता के रहते यहां विकास संभव नहीं है। मोइन और खेजुरी की चुनावी सभाओं में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी के रहते पश्चिम बंगाल का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 मई और ममता गई। शिवराज ने कहा कि टीएमसी के गुंडों को हम छोड़ेंगे नहीं। टीएमसी मतलब टेरर, मर्डर, करप्शन है। ममता निर्मम हो गई हैं। ममता ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। ममता बनर्जी तानाशाह हो गई हैं। उन्होंने कहा, रात तुम्हारी है पर सुबह हमारी होगी। पश्चिम बंगाल में तानाशाही नहीं चलेगी। ममता ने जनता को धोखा दिया। ममता को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने ममता बनर्जी से कई सवाल भी किए। उन्होंने ममता बनर्जी के सरस्वती पूजा का विरोध करने का कारण पूछा। माँ माटी मानुष की बात करने वाली दीदी ने माँ को अपमानित क्यों किया? ममता जय श्री राम बोलने से क्यों घबराती हैं? बूढ़ी माँ को यहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता पीट रहे हैं। पश्चिम बंगाल की माटी को रक्त रंजित क्यों किया जा रहा है? शिवराज सिंह ने कहा, पश्चिम बंगाल में बिना पैसे के सरकारी मदद नहीं मिलती। पीएम मोदी गरीबों के घर बनाने के लिए पैसा भेजते हैं, ममता बनर्जी उसमें भी पैसे खा जाती हैं। बेटो कहना भाइयों, ये असम की, ये हमारे पश्चिम बंगाल की माना की पवित्र भूमि, ये वीर और सूरों की भूमि है, ये ऋषियों महर्षियों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है। मैंने आपके समृद्धि और विकास की कामना करी है, लेकिन टीएमसी और ममता बनर्जी के रहते हुए यहां ना तो विकास हो सकता है और ना समृद्धि हो सकती है। टीएमसी का मतलब एक तो मुझे आप बता रहे थे, ट्रांसफर माय मनी। टीएमसी ये पैसा खा जाते हैं। टीएमसी मतलब लोगों के पास जो पैसा आता उसको खा जाओ। बताओ, मोदी जी पैसा भेजते हैं आपको मिलता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पैसा मिलता है क्या? ये टीएमसी वाले ही खा जाते हैं। कट मनी, तोलाबाजी। अरे हम भी चौथी बार मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश में कट मनी नहीं सुनोगे, लेकिन यह कट मनी तोलाबाजी थे। टीएमसी का एक मतलब और है, टी मतलब टेरर, आतंक, एम मतलब मर्डर और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा। चिंता मत करो, हमें टीएमसी के गुंडों को छोड़ने नहीं वाले। ये आतंक का राज, हिंसा का राज, ये जंगल राज भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ममता हिंसा का खेल क्यों खेल रही हैं? बीजेपी की सरकार आते ही 24 घंटे में किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। ममता के रहते बंगाल बर्बाद हो जाएगा। दीदी की सरकार को पलटना है। बीजेपी की सरकार में खेला होगा। दीदी ने सोनार बंगाल में हिंदू मुसलमान में बांट दिया। पश्चिम बंगाल मेदिना की तरह पवित्र भूमि है। ये शूरवीरों, ऋषियों, महर्षियों, तपस्वियों की भूमि रही है। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? रियली? डैडी बने हो? देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की।
प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी। है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।